करनाल जो असंद रोड है, 709 रोड है जो जींद भिवानी हिसार और राजस्थान को निकलता है, इधर करनाल यमुनानगर की तरफ निकलता है। यहाँ पर देर रात सुबह 2 और 2:30 बजे के बीच में हादसा होता है। हादसे में जो पीसीआर जो 112 नंबर गाड़ी ईवीआर होती है वो यहाँ पर खड़ी थी, पक्का खेड़ा मोड़ पर खड़ी थी। उसके साथ एक ट्रक आता है, धान से भरा हुआ ट्रक आता है और उसको टक्कर मारता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो ट्रक ने टक्कर मारी है, पीसीआर को टक्कर मारी है और पीसीआर जो के साथ ईवीआर जो गाड़ी होती है 112 नंबर गाड़ी को टक्कर मारी। उसके बाद गाड़ी का क्या हाल है ये आप सब देख सकते हैं कि कैसी ये तस्वीरें हैं। लगातार मौके पर जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी क्या हालत थी और बड़ी मशक्कत के बाद, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उनको निकाला गया। उसमें से बताया जा रहा है कि एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो चुकी है, जो सुरिंदर था जो हवलदार था उसकी मौके पर ही मौत होगी। यहां से लेकर आगे हॉस्पिटल में ले जाया गया, कल्पना चावला में ले जाया गया, उसके बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। या उसके साथ जो दूसरा कर्मचारी था मुकेश एएसआई, उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका लगातार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जिन लोगों ने मौके पर निकाला वो हमारे साथ है, उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। भाई आपने कैसे निकाला, कहां कैसे हुआ था एक्सीडेंट, कैसे पता चला आपको? हमने 2 बजे धमाको है जी, रात को धमाको होने के बाद हम वहां से टूल से भाग के आए इधर, 10-12 लड़के। हम जाने के देखे जी पीसीआर में 2 पुलिस वाले थे, चिल्ला रहे थे बचा लो बचा लो। हमने गड्डी से राड निकाल के, राड के साथ ये ऊपर से भी छत पाड़ी जी, नीचे से भी बारी बुरी तोड़ के दोनों साइड से, कम से कम 1 घंटा लगे हमको निकालने में जी। पूरी बुरी तरह से फंस रहे थे इसके अंदर और काफी ज्यादा चोट लग रही है उनको, हालत बहुत गंभीर है जी। उसमें एक की मौत भी हो चुकी है, पता लग गया जी अभी, एक की मौत भी हो चुकी है। कैसे निकाला, कितना टाइम लगा आपको? 2:05 पे हम यहाँ पहुँच गए थे जी, और 3:10 पे हमने उनको एम्बुलेंस में डाला था। हाँ जी, हालत कैसी थी उनकी? बहुत गंभीर थी जी। और ड्राइवर का, जो ट्रक का ड्राइवर था वो तो फरार है जी, मौके से फरार हो गया था। और ये गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी, किस जगह की? ये जो पीसीआर है ये अपनी 112 नंबर, ये पेड़ के नीचे खड़ी थी जी, और ये जो ट्रक है ये असन साइड से आ रहा था, ओवर स्पीड था, वहां से लेके आया जी यहाँ तक, पुलिया के नीचे तक घसीटता हुआ लेके आया जी, पुलिया के नीचे तक। ये यहाँ से उस मोड़ से यहाँ तक घसीटता हुआ यहाँ तक लेके आया। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा सारी की सारी ये तस्वीर यहाँ की है और कैसे क्या हालत तो बनी पड़ी है इस गाड़ी की, और उसमें जो लोग थे उनकी क्या हालत तो होगी। ये कहीं ना कहीं का बड़े बड़ा हादसा है, लापरवाही है, किस वजह से ये हादसा हुआ कि एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पर हादसा हो जाता है, हादसे के बाद एक पुलिस कर्मचारी की मौत होगी। और इसको पूरा आप देख सकते हैं कि कैसे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक ने वहां से आते उते टक्कर मारी और पूरी तरह से ये पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है, हादसे में पूरी जो गाड़ी थी वो डैमेज हो चुकी है। पुलिस की जो नोवा गाड़ी अपने आप में, जो इटोस की जो गाड़ियां होती है, कहीं ना कहीं काफी मजबूत समझी जाती हैं, ये नोवा गाड़ी थी, उसका क्या हालत होगी, उसको कैसे किस तरह से टक्कर मारी गई। और जो जिन लोगों ने, ये टोल पे जो लोग थे उन्होंने निकाला, उनका यही कहना था कि हमें टोल तक यानी कि आधा किलोमीटर आगे तक आवाज गई और फिर वो लोग यहाँ से आए और उन्होंने यहाँ से निकाला। उसके साथ कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा हादसा नशे का हो सकता है, कहाँ से ये ट्रक, धान का भरा हुआ ट्रक आया था और कहाँ ये जा रहा था, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ कि पीछे से ये हादसा हुआ है। हादसे के वहां पर वो गाड़ी खड़ी हुई थी जहां बिल्कुल सेफ जगह पर ये गाड़ी खड़ी थी, यहां से गाड़ी निकलते निकलते आगे यहां पर पहुंची और ये हादसे में एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो चुकी है, जो बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल में था, पहले कल्पना हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसके बाद उसको वहां से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां से उसकी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ से ये रोड है, वहां से ये ट्रक आता है और यहाँ पर वो पीसीआर खड़ी हुई है, उसको आगे से टक्कर मारता और रोनता हुआ आगे तक ले जाता है। ये देख सकते हैं कि आप कहाँ पुलिया के ऊपर से ये ट्रक वहां तक उसको ले गया और उसमें क्या हालत हुई है गाड़ी की, क्या हालत हुई है पुलिस कर्मचारियों की, क्या हालत हुई है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात तो ये कि क्यों यह हादसा हुआ, क्या जो ट्रक ड्राइवर था नशे में था और क्या कारण था, गाड़ी की खराबी हुई है क्या है, फिलहाल जो गाड़ी का ड्राइवर है वो फिलहाल मौके पर फरार है और तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या हालत बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जरूर जरूर करें, जरूर एक जांच की बात बनके क्यों यह हादसा हुआ, इस लेकर एक बड़ी बात जरूर है। क्या देखते यहाँ से वो ट्रक जाता है, चल जाते जाते और गाड़ी को टक्कर मार के और आगे निकल जाता है, और आगे ये तस्वीरें हैं आपको देख सकते हैं कि कैसे वो
गाड़ी की क्या हालत बनी हुई है। जो गाड़ी थी नवा गाड़ी थी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है और उसमें जो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर थे उनमें से एक पुलिस कर्मचारी की मौत, जो उसको यहां से हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ। एक परिवार जो ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारी दे रहे थे, जो 112 नंबर गाड़ी है EVR गाड़ी है वो अपनी गश्त पे थी, रात यहीं पे खड़ी थी, लोगों की सुरक्षा के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं ये हादसा किस वजह से हुआ, नींद की वजह से हुआ या कुछ और हुआ, इस ट्रक ड्राइवर की वजह से एक पुलिस कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर ही मौत हो चुकी है। जब हमारे को पता चला हमने इनको उठाया निकाला बाहर निकाला और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा हालत कैसी है उनकी? हालत सीरियस है, पता चला कि एक भी डेथ भी हो गई। हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मोड़ पे आगे भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, इसमें दोनों तरफ के देखा जाए तो कोई भी किसी तरह की कोई सुरक्षा को लेकर कोई भी ऐसी चीज नहीं।